नमस्कार दोस्तों, ब्यूटी एंड गार्डनिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे पुदीना कैसे लगाते हैं। हम पुदीने को दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो आप मार्केट से इसके सीड लाके उसे लगा सकते हैं, या फिर आप जो पुदीना यूज़ करते हैं आप उसे भी लगा सकते हैं। ये देखिए, जो मार्केट में पुदीना मिलता है, मैंने इसे पानी में रख दिया था। अब देखिए, इसकी जड़ें आ चुकी हैं। मैंने इसे 10 दिन पानी में रखा है। 3 से 4 दिन के अंदर इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए मैंने इसे नहीं लगाया है। आज मैं इसे ग्रो करूँगी। आप देख सकते हैं, कुछ पत्ते जो पुराने थे वो सब ख़राब हो गए हैं और इन सब में न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं, इन सब में न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, एक पॉटिंग मिक्स लेना है। मैंने पॉटिंग में क्या लिया है, मैंने इसमें ली है सबसे पहले ये जो हैंगिंग बास्केट है, ये मैंने वो ली। इसके नीचे मैंने होल कर दिया है और होल को कवर करने के लिए मैंने नीचे लगाया है ये नारियल के ऊपर का जो छिलका होता है, मैंने ये लगाया है। आप उसकी जगह कोई भी कपड़ा भी रख सकते हैं। इसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। कोई भी प्लांट लगाएं, उसका ड्रेनेज सिस्टम जो होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इसमें मैंने ली है मेरे गार्डन की मिट्टी। इसमें मैंने 2 मुट्ठी ली है गोबर खाद और 1 मुट्ठी ली है मैंने सरसों की खली। इसे मिक्स करके मैंने इस हैंगिंग बास्केट जो है इसमें डाल दिया है। अब हमें करना क्या है, हमें एक ऐसे डंडी लेनी है। इसकी आप रूटिंग देख सकते हैं। अब हमें सिंपल सा काम करना है, यहाँ पे होल करना है। आप कोई हाथ से भी होल कर सकते हैं, या फिर आप कोई स्क्रू ड्रायर होता है, या फिर ब्रश भी होते हैं घर के जो यूज़ हो चुके होते हैं, उनको भी ले सकते हैं। आपको इसे लगाना है और इस तरीके से मिट्टी में हल्के हाथों से दबा देना है, ज़्यादा फोर्स नहीं करना है। ये देखिए, इस तरीके से मैं ये सारों को लगा दूँगी इसमें। इस तरीके से आप इन सभी को इसके अंदर लगा दीजिए। मैं भी आपको एक दो ही लगा कर दिखाऊँगी। आप सारे के उसमें ऐसे लगा दीजिए। मैं कुछ इसमें लगाऊंगी, कुछ मेरे दूसरे गमलों में भी लगाऊंगी। ये देखिए, आप 2 से 3 दिन हो सकता है ये थोड़ी सी मुरझाई हुई लगे, लेकिन उसके बाद ये भी एकदम सही हो जाएगी। और अभी बारिशों का मौसम है, तो बारिशों के मौसम में आप इसे लगाइए तो ये जल्दी से इसकी रूट निकलेगी और जल्दी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, और फिर आप घर का ही पुदीना यूज़ कर पाएंगे। इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है दोस्तों। ट्राई करके देखिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।